समाज, राजस्थानी समाज का एक युवा मंच जो है, आज वो पूरी तरह एक्टिवली समाज में जो एक समाज सेवा के कार्य हैं अग्रणी भूमिका में दिखाई देता है उसमें होगा। उसके अलावा अपने पंडित बालदास शर्मा जी का प्रश्न है, इन्होंने अब तक 1500 से ज़्यादा कथाएँ, विदेशों में भी इन्होंने अच्छी कथाएँ कही और आज लोग इन्हें जी सर अपना नाम वो पर्ची दीजिएगा। नमोत्कार बजाज, मैं यहाँ मारवाड़ी युवक संघ और श्री श्याम मंडल का अध्यक्ष हूँ और इस आयोजन से पिछले 29 साल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हूँ। महेश जी बात कर रहे हैं। मैं केवल आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, ताकि तो हमारे अग्रज श्री रमेश जी चौधरी और मेरे भाई श्री दीपक जी बजाज ने आप लोग को सब कुछ बताया। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि 29 वर्ष पूर्व जब ये आयोजन चालू किया था श्री बाल व्यास जी का, तो उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि इस आयोजन का आज इतना भव्य स्वरूप हो जाएगा। इसके अंदर लगभग 20,000 लोग 9 दिन लगातार इस आयोजन का पूरा कथा का आनंद लेते हैं और कथा श्रवण करते हैं और आप लोग के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार पूरे पूर्वांचल के अंदर में होता है। इसके लिए पूरे पत्रकार और मीडिया बंधुओं को मेरा धन्यवाद। मैं आर के चौधरी हूँ, मैं भी एक भक्त हूँ और बाल व्यास जी की कथा काफ़ी सालों से सुन रहा हूँ, इस बार भी सुनने का मन है और कथा की जानकारी के लिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। बाल व्यास श्रीकांत शर्मा जी की ये कथा 29वीं होगी काशी में, वो 20 जुलाई में कथा प्रारंभ करेंगे, 29 जुलाई को इसका समापन शोभा यात्रा से होगा, बीच बीच में इसमें और कथा से संबंधित झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी, 28 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा इसी भरत मिलाप मैदान से और रानी शक्ति धाम यहाँ बगल में है वहाँ तक जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं पंडाल बना हुआ है, वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है, इसमें 20,000 के आसपास भक्तों के बैठने की व्यवस्था है और प्रतिवर्ष जिस तरह से आज लोग लाभान्वित होते हैं सावन में, और वो भी बाबा महादेव की नगरी में काशी के अनुश्रवण करने का एक अलग ही लाभ है। ये कथा सुनने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? इस कथा को सुनने से मैं समझता हूँ कि आसपास के करीब करीब 50 किलोमीटर के लोग, हम लोग आने जाने की भी व्यवस्था करते हैं, कुछ लोग अपने साधन से भी आते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष आप जो ये पंडाल देख रहे हैं खचाखच भरा है, प्रशासन की अनुमति मिल गई है और कथा के लिए किस तरह से और इसको रोचक बनाया जाए कई बैठकें पिछली बार हम लोगों ने की, तो पिछली बार से भी इस बार कथा का आनंद भक्त लोग ज़्यादा ले सकेंगे ऐसा और समिति का प्रयास है।